विभिन्न सामाजिक संगठनों से उपस्थित युवाओं का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ किया। तो मैं चाहूंगा कि कुछ नारे दोनों हाथ उठा के सब लोग एक बार लगा दें तो यहाँ आसपास का माहौल क्रांतिमय हो जाए। इस परिसर में हम लोग मौजूद हैं। सरदार पटेल अमर रहे, दोनों हाथ उठा के साथियों लोग, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब इंकलाब, युवाओं की एकता जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय राजमणि पटेल जी, इस संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी, सचिव महोदय, मंच पर उपस्थित सभी साथी, सिद्धार्थ भाई, अविराज जी, अशोक जी, प्रोफेसर साहब, सभी को मैं सलाम करता हूँ। साकेत जी को भी, सबको मैं सलाम करता हूँ, सबको नमस्कार है मेरा। और जो सामने लोग बैठे हैं, आप सबसे इस निवेदन के साथ कि ये जो बातचीत मैं कहने जा रहा हूँ, भले किसी पार्टी से जुड़ा हूँ लेकिन पार्टी फोरम के तहत नहीं, एक इंसान होने के नाते और इस क्षेत्र का, इस मिट्टी का होने के नाते मैं कुछ आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, रीवा जिले से 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, एक सामान्य से किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, खेतीबाड़ी का मुख्य पेशा है हम लोगों का, और गांव से शुरू करके सिरमौर में जो नवोदय विद्यालय है वहाँ से मैंने पढ़ा, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मुंबई टिस में कई जगहों पे गोल्ड मेडल भी मिला, ये चीज़ें करते हुए ये रास्ता चुना हूँ। और जो अपने अनुभव हैं जिंदगी के, उस अनुभवों के साथ और इस मिट्टी को, इस क्षेत्र को मैं किस रूप में देखता हूँ, वो बातें रखना चाहता हूँ। अपनी बातचीत की शुरुआत एक मिनट की कहानी से करता हूँ और उसके बाद एक उदाहरण दूंगा, फिर मैं बातचीत में आऊँगा। कहानी ऐसी है कि आजकल जिसको भी मौका मिलता है, आजकल जिसको भी मौका मिलता है, चाहे कोई पद मिल जाए, चाहे कोई सम्मान मिल जाए, अपने आप को इंसान इस लोकतंत्र में राजा समझने लगता है। और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, उनसे जो उम्मीदें होती हैं, ये कहानी, एक मिनट की कहानी, जरा ध्यान दीजिएगा, वो आज के माहौल पे बड़ी सटीक बैठती है। वो कहानी ऐसी है कि राजा ने कहा रात है, राजा ने कहा कि रात है, तो उसके मंत्रियों ने भी कहा रात है। जब राजा ने कहा रात है तो उसके मंत्रियों ने भी कहा रात है। जब मंत्रियों ने कहा रात है तो जो चेले चपाटी थे सबने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो आज जो देश, प्रदेश, आपके क्षेत्र, आपके जिले में चल रहा है, उस सबका यही सार है कि युवाओं को, अपने साथ चलने वालों को, अपने पीछे चलने वाले लोगों को, उनके नेता, उनके अगुआ भरी दोपहरी को आधी रात बोलते हैं और हमको मजबूरन बोलना पड़ता है। मुझे पता है आज के कार्यक्रम का जो विषय है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान, ये विषय है, लेकिन उस विषय में आने से पहले जो बातें जरूरी हैं वो मैं कहना चाहता हूँ। जो मैं उदाहरण कहना चाहता हूँ, उदाहरण देना चाहता हूँ, आपके पास में चुराहट सीधी जिले में लगता है, विधानसभा है,
वहाँ सरदार पटेल जयंती का कार्यक्रम था। 5-7 हज़ार लोगों की भीड़ थी, बहुत से लोग आए थे। उस भीड़ में मैंने भी कुछ बातें कही थी, चूँकि मौका मिला था। मैं सीधी से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका हूँ, कम उम्र थी, पर एक पार्टी से जुड़ा हूँ। पार्टी ने कहा आपको आगे आना चाहिए, मैंने वहाँ से जो मेरी ताकत थी, क्षमता थी, उस अनुसार लड़ा भी था, चुनाव भी लड़ा था। उस सम्मेलन में, सरदार पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मेलन में, मैंने एक बात कही थी कि सरदार पटेल जी को याद करना उनके जन्म दिवस पे या उनकी पुण्यतिथि पे याद करने से अच्छा, उन्होंने जो बातें कही, जो विचार दिए हैं, उनको अपने मन में बैठाएं, उन कामों को, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पे चल के कुछ कदम बढ़ के हम दिखाएं, तो शायद सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैंने वहाँ एक बात कही थी कि जिस महापुरुष की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जिस व्यक्ति ने इस देश की 562 रियासतें तोड़ी और तोड़ के इस राष्ट्र को एक किया, राजा महाराजाओं को लोकतंत्र की, संविधान की जो एक पंक्ति में खड़ा किया, उनकी जन्म तिथि को मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हैं। और चुराहट में, ये पिछले चुनाव के पहले की बात है, एक राजघराने को हम नहीं तोड़ पा रहे, तो हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम किसके लिए इकट्ठा हुए हैं और क्या कहते हैं कि हम इनके आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं या इनके बताए मार्ग पर चलने वाले लोग। ये बात, ये उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि ये जो समय है, ये समय आंख मूंद कर किसी के पीछे चलने का समय नहीं। ये समय ऐसा भी समय नहीं है कि हमने किसी को अपना अगुआ मान लिया और वो हमें सही रास्ते पे ही ले जाएगा। इसलिए युवा साथियों से, खास तौर से इस कार्यक्रम के आयोजकों से, मैं एक आग्रह के साथ कहना चाहता हूँ कि युवा होने का मतलब है तार्किक होना। युवा होने का मतलब है आपके अंदर तर्क की क्षमता होना। खाली उम्र से युवा नहीं हुआ जाता। तो अगर हम युवा हैं तो हमें तार्किक होना पड़ेगा, किसी के भी पीछे आंख मूंद के हम नहीं चल सकते। इस देश के अंदर आज तक के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास या सामाजिक इतिहास में, जो सबसे बड़ी रिपोर्ट सबमिट की गई, उस रिपोर्ट के मैं कोट करना चाहता हूं। आप अगर देख रहे हो, नरेगा जैसी योजना, सामाजिक सुरक्षा जैसी योजना, आप देखें तमाम तरह की अन्य योजनाएं जो राष्ट्रीय स्तर पर निकल के आई, वो सारी योजनाएं अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी रिपोर्ट के आधार पर निकल के आई थी। अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी रिपोर्ट, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर इस देश के अंदर कई योजनाएं बनी ताकि इस देश के अंदर से गरीबी को कम किया जा सके, सामाजिक विषमता को कम किया जा सके और जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको मुख्यधारा पे लाया जा सके। टीवी चैनलों में बड़ी बड़ी डिबेट हुई, कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन जो एक मुख्य बात थी उस बात को छुपा लिया गया। वो बात थी, और पहले पेज पे लिखी थी, ऐसा नहीं कि कहीं बहुत अंदर वो बात लिखी हुई थी। उस रिपोर्ट में गरीबी का एक आंकड़ा दिया हुआ था। वो आंकड़ा ऐसा था कि इस देश के अंदर
77% लोग 20 रुपए से कम आय पे अपना जीवन जीने पे निर्भर मजबूर हैं। 20 रुपए से कम आय पे 77% लोग इस देश के अपना जीवन व्यतीत करने में प्रतिदिन में मजबूर हैं। फिर उसके बाद उस 77% में कौन लोग हैं, वो आंकड़ा था जिसमें एक डिबेट नहीं हुई इस देश के अंदर, ना टीवी चैनलों में, ना मंचों से नेताओं ने कहा। वो आंकड़ा था कि इस देश की जो दलित और आदिवासियों की आबादी है उसका 88% उस 77% में आता है। इस देश के जो माइनॉरिटी हैं उनकी कुल आबादी का 85% उसमें आता है। इस देश में जो पिछड़ी जातियां हैं उनका उनकी कुल आबादी का 80% उसमें आता है। और वो रिपोर्ट बड़े साइंटिफिक तरीके से भी प्रस्तुत की गई थी। ये आंकड़ा मैं इसलिए रख रहा हूं कि गरीबी कहाँ है, मजबूरी कहाँ है, ये हमें समझना पड़ेगा। उस गरीबी और उस मजबूरी को हटाने के लिए हमें प्रयास भी करने पड़ेंगे। हो सकता है कि हम लोग कुछ अच्छी शिक्षा पाकर, कुछ अच्छे मौके पाकर, कुछ बड़े प्लेटफॉर्म में हम पहुंच जाएं, हमें मौके मिल जाएं कि हम कुछ चुनाव जीत लें, विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं, सांसद बन जाएं, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमने क्या किया, अगर उस दिशा में हम विचार करें तो शायद हमें हमारा असली चेहरा आईना दिखा देगा कि हमने क्या किया। उस दिशा में हमें विचार करने की आवश्यकता है, उस दिशा में सोचने और चलने की आवश्यकता है। यहाँ जो सब साथी मौजूद हैं, दुनिया में कोई विश्वविद्यालय हो, कोई शिक्षण संस्थान हो, कोई धर्म ग्रंथ भी जो शिक्षा देता है, शिक्षा का एक ही सार है। वो सार ये है कि अच्छे और बुरे में फर्क करने का हुनर इंसान सीख जाए। क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है उसमें फर्क करने का हुनर इंसान सीख जाए। जो अच्छा है उसे बढ़ाने का सतत प्रयास करना चाहिए, जो खराब चीज है उसे घटाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। यहां सब साथी मौजूद हैं, हम लोग धर्म भी मानते हैं, भगवान भी मानते हैं, हम लोग पूजा पाठ भी कराते हैं। आप सबसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, युवा साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपने घर में रामायण का पाठ कराएं, हमारी आस्था है, बिल्कुल कराइए, हमें मैं भी कराऊंगा, आप भी कराइए। सत्यनारायण की कथा भी सुना जाए, गीता का पाठ भी किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ आप सबसे निवेदन है कि अगर आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो अपने घर में संविधान पढ़ाना भी हमें शुरू करना पड़ेगा। वो संविधान इस राष्ट्र को सही तरीके से परिभाषित भी करता है। राष्ट्र आज जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो इस देश के परिप्रेक्ष्य में सही परिभाषा नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं किसी एक मंच से आता हूं या किसी एक दल से आता हूं, मैं कुछ कॉलेजेस में पढ़ाता भी हूं, कुछ संस्थाओं से जुड़ा भी हूं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम भी कर चुका हूं। उस समझ के आधार पर कह रहा हूं कि भारत वो राष्ट्र नहीं है जहां एक तरीके की जाति, एक तरीके का धर्म, एक भाषा और एक तरीके के संस्कृति चलती हो। भारत का नाम
विविधता में एकता वाला देश है ये। तो इसलिए मैं जो शुरू में बात कह रहा था कि हम सबको तार्किक होना पड़ेगा, हमें बहुत से संस्थान, बहुत से चीजें, काफी कुछ परोसती है, काफी कुछ ऐसा सिखाया जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा कि नहीं नहीं हम ये करें, पर हमें भारत को समझना पड़ेगा। भारत तमिलनाडु में भी बसता है, भारत कश्मीर में भी बसता है, भारत गुजरात में भी बसता है, भारत बंगाल में भी बसता है, नॉर्थ ईस्ट में भी बसता है। तो भारत का नाम विविधता में एकता है। तो जो आज राष्ट्र की परिभाषा दी जाती है वह परिभाषा एक तरीके की जाति, एक तरीके का धर्म, एक तरीके की भाषा, एक तरीके की संस्कृति को बढ़ावा देने की बात होती है। क्योंकि यह राजनीति बड़ी आसान होती है, बहुतायत वर्ग की राजनीति बहुत आसान होती है, जिधर धारा बहे उधर तैरना आसान होता है, लेकिन असली तैराक वो होता है जो धारा के विपरीत भी तैर के दिखाए। और इस तरीके का राष्ट्र लेकर यूरोप चला था, यूरोप कई राष्ट्रों में बट गया, कहीं फ्रेंच बोली जाती है तो कहीं इंग्लिश बोली जाती है तो कहीं अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमें भारत को तमिल बोलने वाला भी भारत है, बंगला बोलने वाला भी भारत है, गुजराती बोलने वाला भी भारत है, मणिपुरी बोलने वाला भी भारत है, कन्नड़ बोलने वाला भी भारत है, उस भारत को बनाए रखना पड़ेगा। सरदार पटेल जी के संस्थान में हम लोग हैं, जो हमारे महापुरुषों ने जैसा भारत बनाया है अपने प्राणों की बाजी लगा के, उस भारत को बनाए रखना और उस भारत को बचाए रखना हम सबका दायित्व और कर्तव्य है। कई जगह ये बात आती है कि देश को बनाने का समय, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, देश को बनाने से पहले ये देश को बचाने का समय है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि हम लोग चाहे जिस फील्ड में जाएं, यहां के बच्चे निकल के आईपीएस बने, आईएएस बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, राजनीति में भी आए, किसी भी फील्ड में जाएं, उससे पहले हम सबको एक चीज बनना पड़ेगा, वो है अच्छा इंसान। अगर हम अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो हम चाहे जो कर रहे हो शायद उसमें कमी रह जाएगी। इसलिए हमें अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और साथियों, आज जो ये वक्त, ये दौर चल रहा है, ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में हमारे बहुत से पहचान के लोग हैं। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से निकला हूँ, भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों में मंत्री मिनिस्टर तक के लोग परिचित निकलते हैं, चूंकि एलुमनाई एसोसिएशन होता है, तमाम जगहों पे लोग हैं, कांग्रेस में भी हैं। लेकिन जो अभी ये दौर है कि देश के संवैधानिक पदों पे बैठे लोग जो बड़े बड़े पदों में हैं धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं, उनको देखने वाले, उनको रोकने वाले कोई नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी सरकार हो, कोई भी शासक हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे जिस भी पार्टी को हो, उसको ये डर होना चाहिए कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया है तो जनता हमको कान पकड़ के नीचे उतार देगी। ये डर जिस दिन खत्म होगा उस दिन लोकतंत्र की जगह तानाशाही चलने लगेगी, और जिस दौर पे हम लोग चल रहे हैं वो तानाशाही का दौर है।
मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग हैं यहाँ पे, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, इंसान है तो खाता तो अनाज ही है। कोई भी हीरे मोती नहीं खाता, चाहे अडानी अंबानी हो, चाहे जो हो। तीन कानून बना दिए गए किसानों के लिए। इस देश के किसान ये बात कहते रह गए कि भाई कानून हमारे लिए बना रहे हो, हमसे पूछ तो लो। तुमसे बिना पूछे पीछे के दरवाजे से कानून बना दिए गए, कानून एक तरीके से लागू करने का आदेश भी दे दिया गया। जब ये आंदोलन चला एक साल तक, वो अन्नदाता, वो किसान बारिश में, ठंडी में, गर्मी में इस देश की राजधानी के आसपास बैठा रहा। इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। भाई आप उनके पास नहीं जा सकते थे, उनको अपने घर बुला लेते, बात तो कर लेते कि भाई क्या कहना चाहते हो, आप क्यों इसका विरोध कर रहे हो। और एक साल बाद जब उनको लगा कि उन पे ये आंदोलन भारी पड़ेगा, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश गंवाने के डर से, अन्य राज्य सत्ता जाने के डर से, वो तीनों कानून वापस लिए। एक साल के अंदर 700 से ज्यादा किसानों की जान गई। उसके लिए जिम्मेवार कौन है, यह हमें समझना पड़ेगा। कैसी सत्ता चल रही है इस देश के अंदर। यह सत्ता में बैठे लोग जिन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, जिनके पास रोजगार था, ऐसे 26 करोड़ लोगों का रोजगार छीना है। 26 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया जिनके पास था। जिस प्रदेश में हम बात कर रहे हैं, यहाँ 48 रोजगार कार्यालय हैं, जहाँ रजिस्टर्ड 34 लाख युवा बेरोजगार हैं पीएचडी किए तक, और ये संख्या दुगनी है, 75 लाख के आसपास है। हम लोग भी कुछ सर्वे कराते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि 2 युवा प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं बेरोजगारी के दंश से मध्य प्रदेश के अंदर। अब पिछले 18 साल से सरकार चल रही है, ये आंकड़े कुछ दर्शाते हैं। 6 किसान रोज आत्महत्या करते हैं यहाँ। 26,000 से ज्यादा किसान जो वर्तमान सत्ता में बैठे लोग हैं उनके शासन में आत्महत्या कर लिए। इस देश के अंदर 4,28,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हम लोग कहीं ना कहीं किसानों के घर से भी आते हैं। युवा हैं हम, पढ़ाई कर रहे हैं हम, आगे कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर संवेदना नहीं है, दर्द नहीं है, तो हम अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। सामने वाले की पीड़ा अगर हम नहीं समझ सकते, तो हम अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो अच्छे राष्ट्रभक्त भी नहीं बन पाएंगे, अच्छा राष्ट्र भी नहीं बना पाएंगे। मैं कुछ बात आप लोगों के बीच में ये भी कहना चाहता हूँ। एक पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, उस पार्टी के नेता, मैं मन से भी कहता हूँ कि हम लोग भगवान नहीं मानते, इंसान मानते हैं। उनका काम अगर अच्छा है तो उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, काम नहीं है तो वहाँ कहते हैं ये गलत हो रहा है। चूँकि हम भक्त नहीं हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। हमारी पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार पहले राउंड में 49 दिन चली, उसके बाद मोदी जी का दौर था, सब कुछ था,
काम के आधार पे जनता ने हमें 70 में से 67 सीटें दिल्ली में दिया। 5 साल हमने सरकार चलाई, उस टीम में भी हूं मैं, शिक्षा की टीम में दिल्ली में भी काम करता हूं। हमको 32,000 करोड़ का बजट मिला था, 32,000 करोड़ का बजट मिला था। हमने शिक्षा, सरकारी स्कूल की शिक्षा, चाहे वो चपरासी का बच्चा हो, चाहे कलेक्टर का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे किसी कार्यकर्ता का हो, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो या किसी दल का हो, हर किसी के बच्चे को एक समान निःशुल्क और अच्छी शिक्षा हमने दी दिल्ली में। इस देश की पहली सरकार है जिसने अपने कुल बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पे खर्च किया है। बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर, उनको निकलने के बाद रोजगार की व्यवस्था, ये व्यवस्था की गई है। हमने दिल्ली में हर तरीके की जांच और हर तरीके का इलाज, बड़े से बड़ा इलाज, चाहे 70 लाख का ऑपरेशन हो, चाहे छोटे से छोटा मोहल्ला क्लिनिक, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, छोटे से छोटा इलाज और जांच से लेकर बड़े से बड़ा ऑपरेशन और जांच मुफ्त है दिल्ली के अंदर। हर घर में साफ पीने का पानी पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश से हम बिजली खरीदते हैं और वहाँ की जनता को निःशुल्क में बिजली देते हैं, फ्री में देते हैं, और यहाँ देश की सबसे महंगी बिजली दी जाती है। महिलाओं की यात्रा फ्री है। किसान भाइयों की अगर फसल नष्ट हो जाए तो 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा हम देते हैं। 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा, किसान भाइयों की फसल के दाम जो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि लागत का 1.5 गुना किसानों को मिलना चाहिए, वो हम देते हैं वहाँ दिल्ली में। अगर किसी किसान भाई की जमीन किसी भी प्रोजेक्ट में जाती है तो ये कानून है कि जो सरकारी रेट है उसका 4 गुना मिलना चाहिए, तो दिल्ली में 6 गुना मिलता हर किसान भाई को। ये सब काम करते हुए दिल्ली का बजट 32,000 करोड़ का बजट जो था उसको हमने 69,000 करोड़ का बजट बनाया है। इस देश की एकमात्र सरकार है, CAG जो संस्था ऑडिट करती है उसने ऑडिट करके बताया कि इस देश की एकमात्र सरकार है जो फायदे में है। मध्य प्रदेश का बजट 2,79,000 करोड़ रुपए का बजट है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, बीमार लोगों के लिए इलाज नहीं है, किसानों के फसल का दाम नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, बच्चों के लिए पोषण की व्यवस्था नहीं है, सड़क से लेकर तमाम चीज़ें चौपट हैं। ये फर्क क्यों है? ये फर्क मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी कोई भगवान नहीं है और ना कोई जादूगर है। हमारे आप जैसे इंसान ही हैं, वहाँ जो टीम काम करती है हमारे आप जैसे इंसान हैं। लेकिन एक फर्क है, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, वो फर्क है नीयत का फर्क। हमारी नीयत साफ है तो हमने एक एक रुपए जो पैसा था जनता के लिए खर्च किया तो जनता का जीवन स्तर सुधरा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट दिल्ली के पब्लिक प्राइवेट जो प्राइवेट स्कूल होते हैं बड़े बड़े लाखों की फीस वाले स्कूलों से ज़्यादा बेहतर सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आ रहा है। IIT मेडिकल सभी जगह बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमें समझना पड़ेगा कि 2,79,000 करोड़ के बजट वाले सरकार के राज्य में हम लोग रहते हैं, वो सरकार ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि किसी को कोई ठीक से सुविधा नहीं मिल रही। आपको अगर बच्चे को पढ़ाना हो तो स्कूलों के लिए तो प्राइवेट स्कूल चुनना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं सकते। और हर नागरिक पे, मध्य प्रदेश के हर नागरिक पे 45,000 रुपये का कर्जा है। बच्चा आज जन्म लेगा तो 45,000 रुपये के कर्जे के साथ जन्म लेगा। कैसी सरकार चला रहे हैं आप देखेंगे तो रीवा में हर जगह
एक बार रोड टूटेगी, बनेगी, फिर थोड़े दिनों बाद फिर टूटेगी, फिर बनेगी, फिर थोड़े दिनों बाद फिर टूटेगी, फिर बनेगी। ये खेल क्या चल रहा है? ये खेल ऐसा नहीं कि वो मूर्ख हैं। लगता होगा हम बात करते हैं नेता कितने मूर्ख हैं, बार बार ये करते हैं। ये नेता मूर्ख नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा होशियार है। अपने चमचों का जेब भर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा, तार्किक होना पड़ेगा। मैं किसी भी एक व्यक्ति को अपने परिवार से लेकर कहीं भी आप लोगों में से ये नहीं कहूँगा कि नहीं मैं जिस मंच में हूँ उसी में आइए। आप अपने अपना दिमाग इस्तेमाल करिए, आप अपने बच्चों के भविष्य को सोचिए, विचार करिए और जो उचित रास्ता लगे तार्किक आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, उस पर हमें आगे बढ़ना है। लेकिन सरदार पटेल जी या आज़ादी के दीवानों की बात करने के साथ साथ हम लोगों को उनके साहस को भी अपनाना पड़ेगा। सरदार पटेल बस इस बात का नाम नहीं है कि मजबूरी का नाम कि हमने उनकी जयंती मना ली और यहाँ कुछ शोषण हो रहा है, गलत हो रहा है, तो हम इसलिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे कि हमारे ऊपर फलाने साहब नाराज़ हो जाएंगे, फलाने गुंडा नाराज़ हो जाएगा, तो फिर हमें उनका वंशज होने पे थोड़ा संकोच करना चाहिए कि हम कुछ करना चाहते हैं। जहाँ गलत हो रहा है एक होके हम आवाज़ तो उठा सकते हैं। इस देश में संवैधानिक व्यवस्था है, इस देश में कानून का राज है, तो फलाने गुंडा या फलाने दादा भाई या फलाने साहब से बढ़कर जनता की ताकत होती है। और जो ये पैसे बहाए जाते हैं, ये लूटे जाते हैं, ये किसी नेता के बाप के पैसे नहीं है, ये सब जनता का पैसा है। एक एक रुपये हमारे आपके खून के खून पसीने की कमाई का पैसा है। ये जो विषय था राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी, राष्ट्र निर्माण में जिंदाबाद या मुर्दाबाद करने से बस राष्ट्र निर्माण नहीं होगा, या कभी कभार भारत माता की जय बोलने से राष्ट्र निर्माण नहीं होगा, या संविधान की कस्में खा लेने से बस भारत निर्माण नहीं हो जाएगा। उस संविधान को हमें पलटना पड़ेगा। उस भारत माता के सीने में जहां वार हो रहा होगा, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे शिक्षा में लूट का हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में लूट का हो, चाहे किसान भाइयों को परेशान करने के नाम पे लूट का हो, उस भारत माता के सीने में वार करने वाले लोगों के खिलाफ हमें खड़े होकर आवाज उठाना होगा, तब सही भाइयों में राष्ट्र निर्माण होगा। जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई का सही में मतलब तब निकलेगा जब हम कुछ इस राष्ट्र के लिए वापस दे पाए, कर पाए। नौकरी पाके पेट पाल लेना बस से राष्ट्र निर्माण नहीं हो जाएगा, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं। आप सब लोगों से बातचीत करके, चूंकि मैं दिन भर कार्यक्रमों में रहता हूं, मेरा थोड़ा गला भी बैठा हुआ है, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, किसी भी साथी को, किसी भाई को कोई ज़रूरत हो, दिल्ली में चूंकि हमारी सरकार है, मैं ये नहीं कहता कि हम जैसे नेता लोग कह के चले जाते हैं कि भाई फ़ोन कर दीजिएगा मैं कर दूंगा, वैसे नहीं कहूंगा, लेकिन कोई भी ज़रूरत हो याद करिएगा, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपके साथ खड़े हो पाएँ, चाहे इलाज की बात हो चाहे जैसी बात। और किसी भी भाई साथी को मध्य प्रदेश के अंदर भी उसके साथ कोई अन्याय हो, भले आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों ना हो, किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, कोई अन्याय हो याद करिएगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपके न्याय की लड़ाई में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं दो निवेदन और करना चाहता हूं। चूंकि ये छात्रावास है, मुझे पता है, फिर भी समाज को अगर आगे बढ़ना है,
समाज को कुछ क्रांतिकारी बदलाव लाने हैं, तो हमें अपनी बहनों को भी आगे निकालना पड़ेगा, उनको भी घर से बाहर निकाल के समाज के मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा, उन्हें भी शिक्षित बनाना पड़ेगा, उन्हें भी नेतृत्व देना पड़ेगा, उन्हें भी मौका देना पड़ेगा। दूसरी बात जो एक साथी भी कह रहे थे कि हमें किसी का विरोध करना है, पर विश्वास इसमें रखिएगा कि किसी की लकीर मिटा के आपकी लकीर कभी बड़ी नहीं हो सकती। अपनी लकीर बड़ी करनी है तो अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपने दम पर आपको अपनी लकीर बड़ी खींचनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। रचनात्मक होइए, हमें रचनात्मक होना है, समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करना है। हमें ये बड़ा आसान होता है कि हम किसी एक जाति मंच पे बैठ जाएं, हम किसी एक सामाजिक मंच पे बैठ जाएं और दूसरों के खिलाफ हम खाली बोलें, उससे नहीं। हमें अपने काम, अपने समाज को इतना जागरूक करना है, इतना बड़ा बनाना है कि बाकी लोग जो हमें हमारा शोषण करने के सोच रहे हैं वो हमारे पीछे आके खड़े हों कि ये सही लोग। एक एक बच्चे को शिक्षित बनाना पड़ेगा, एक एक बच्चे को तार्किक बनाना पड़ेगा, एक भी भाई पे कोई हमला हो उसके साथ खड़े होना पड़ेगा, उसको ताकत देनी पड़ेगी और अपनी लकीर को मेहनत के दम पर बड़ी बनाना पड़ेगा, बड़ी खींचना पड़ेगा। ये मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ। एक हमारे साथी हैं, आजकल जेएनयू में प्रोफेसर हैं, जेएनयू में पढ़ाते हैं, वो हमारे बैचमेट थे टिस में, मुंबई में। तो चूंकि वो किसी विचार से आते थे, वहाँ के इंट्रेंस हालांकि अंग्रेजी में होते हैं, तो उसमें एक प्रश्न आया था इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, एक पेपर होता है उसमें, मास्टर डिग्री होती है उसके लिए उन्होंने किया था कि गांधी, नेहरू और अंबेडकर, इन तीनों के आइडिया ऑफ इंडिया के विषय में लिखना था। तो उन्होंने एक नेता के बारे में, एक पूर्व जो हमारे शहीद रहे उनके बारे में तो लिख दिया, बाकी दो के बारे में नहीं लिख पाए। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बोले हमने जिंदगी भर उनको, उनकी बुराई ही की तो उसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं था। तो मेरा ये मानना है, हमने ये बात भी कही कि किसी की बुराई करना है तो उसको अच्छे से जानना है, बिना जाने किसी की बुराई मत करिएगा। आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मुझे एक मौका दिया यहाँ आने का, इस आयोजन मंडल के साथियों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं सबको मेरे तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, त्योहारों की शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ एक शायरी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, चूंकि आज के समय में ये चल रहा है,